अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी, हमें दिखाएं जरा तस्वीरें वहां पर कैसी हैं, क्योंकि सर्दियों का वक्त शुरू हो चुका है, सूर्य जल्दी ही ढलेगा और ढलते सूर्य को ही अर्घ देने की परंपरा है। दिखाएं हमें। कुंजन, कहते हैं ना कि छठ ऐसा महापर्व जिसमें डूबते और उगते सूरज को नमस्कार करते हैं, तो जो लोग बिहार से नहीं है, खास बात यह है कि अब वो भी इसे जानने और समझने लगे हैं। जिस घाट पर मैं मौजूद हूँ, दिल्ली सरकार ने ये घाट बनवाया है, क्योंकि इस बार दिल्ली सरकार ने कई घाट बनवाए हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। यहाँ पर आपको अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। एक तो इतनी बड़ी तादाद में पूर्वांचल के लोग यहाँ पहुंचे हैं, वो ये भी बताता है कि कितना ज्यादा लोग बाहर के शहरों में रहकर भी छठ मनाते हैं। और दूसरा ये कि लोग कितने उत्साह से इसे मना रहे हैं, क्योंकि घर नहीं जा सकते, अपने बिहार नहीं जा सकते, लेकिन दिल्ली में है, लेकिन उसी उत्साह के साथ छठ मनाएंगे। और यहाँ पर महिलाएं गाना भी गा रही है, क्योंकि हमने इससे पहले भी गुनी स्टूडियो पर दर्शकों को लगातार दिखाया है कि छठ यानी लोकगीत, और लोकगीतों के बिना छठ अधूरा है। तो मैं अपने वीजे से कहूंगी कि थोड़ा सा एक बार इधर आए, और अभी आप लोग गाने गुनगुना रहे थे, एक बार फिर से जरा वो गाने जो गा रहे थे छठ के जो फेमस है, जरा एक बार सुना दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको हर तरफ आस्था का सैलाब आज नजर आएगा, हम देख पा रहे हैं। नीतू, एक बार अनामिका का भी रुख कर लेते हैं। अनामिका भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं देख रही हूँ वो भी किसी घाट पर मौजूद है। अनामिका, वहां की रौनक भी दिखाएं। बिल्कुल गुंजन, इस समय हम मौजूद हैं नोएडा में, और यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए घाट बनाया गया है। भीड़ बहुत है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग जो है नोएडा में बहुत ज्यादा रहते हैं, और सिर्फ पूर्वांचल के लोग यहाँ पे छठ नहीं मना रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों से आके इनके साथ रहते हैं, इनकी संस्कृति देखी है, बिहार की संस्कृति देखी है, वो लोग भी यहाँ पे आके छठ मना रहे हैं। एक पूरा घाट बनाया गया है, क्योंकि पवित्र नदी आसपास नहीं है, नोएडा के थोड़ा दूर पड़ती है, इसलिए सोसाइटीज में ही ऐसा पवित्र घाट बनाया गया है, छठ घाट बनाया गया। और यहाँ पे जितने भी आसपास के लोग रहते हैं जिन्होंने छठ का व्रत किया है, और अब यहाँ पे अर्घ देना भी शुरू हो गया है। अभी 5:30 बजे सूर्यास्त होगा, लेकिन अभी से यहाँ पे जो छठ व्रती है वो अर्घ देने पहुंचे हैं। तालाब में महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं, जिन्होंने आज व्रत रखा है और डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। प्रसाद जो है वो बनाया जाता है छठ का, उसे आज अर्घ में अर्घ सूरज को पहले प्रसाद चढ़ाया जाता है, छठ मैया को प्रसाद चढ़ाया जाता है। मैं अपने वीजे से कहूंगी कि अगर वो प्रसाद की थाली भी दिखा सके, क्योंकि बहुत खूबसूरत थाली यहाँ पे प्रसाद की है। ठेकुआ रखा हुआ है, 5 प्रकार के फल रखे हुए हैं, नारियल रखा हुआ है, और सूप में ये जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। हर ये परंपरा चली आई है, और अब जो लोग बिहार से विस्थापित हो गए हैं, पूर्वांचल से विस्थापित हो गए हैं, उनकी कोशिश है कि वो अपने परंपराओं को ना छोड़े, जो अपने त्योहार हैं उनको खुद मनाए। और हम भी छठ की रौनक यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा पूरा परिवार आया हुआ है, बच्चे आए हुए हैं जो अपने बड़े को छठ करते हुए देख रहे हैं, उसके बाद ये उन इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ दो तरीके से यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है, एक पानी में अर्घ दिया जा रहा है, और दूसरा तस्वीर हमारे पीछे है जहाँ पे गन्ने का चौबारा बना के छठ मैया की पूजा करी जा रही है। गुंजन।